हम लोगों के सामने कुछ न्यूमेरिकल्स है, जो न्यूमेरिकल्स दिया गया, आप इसको पहले हमको सॉल्व करने से पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल्स को नोट करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। आंसर यहां पर लिखा होगा, देखेंगे आंसर मिला या नहीं, वही अप्लाई होगा। फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और यदि कहीं पर प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हम कर रहे हैं, उसके बाद देखिए और फिर खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। सॉल्यूशन डायरेक्ट छापिए मत, अपने से सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, उस तरीका को सीधा फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन कहता क्या, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ये दो बात है, क्या गिवन है और क्या निकालना है। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, तो 100 न्यूटन फोर्स हो गया। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं नंबर वन, तो क्लियर है कि फोर्स हो गया आपका 100 न्यूटन। इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, तो कहने का मतलब है एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर, आपसे प्रेशर पूछा इस तरीके से, जो गिवन है उसको सामने दिखाइए और जो निकालना है उसको भी वॉट लगाइए। इस तरीके से तब आप फॉर्मूला लगा पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स हो गया 100, एरिया हो गया 2, और डिवाइड करने आता ही है 50, आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 50, इसी का नाम क्या है, पास्कल। इस तरीके से, और तीनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर है। नेक्स्ट, यदि देखा जाए सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या गिवन है। ए फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स कितना है पता नहीं लेकिन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, इसमें एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। इफ प्रेशर ऑफ 50 पास्कल, प्रेशर क्लियर है कि 50 पास्कल है। कैलकुलेट द फोर्स, आपसे फोर्स पूछा, अच्छी बात है फोर्स पूछा, फॉर्मूला तो वही लगेगा। एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर कितना है 50 है इस बार, फोर्स नहीं पता, एरिया कितना है 2, तो जो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस होकर, तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो चूंकि फोर्स है, यहां पर यदि 100 देखते हैं तो उसमें क्या लगाना होगा, न्यूटन, उसका यूनिट कितना सर है। यही है कि न्यूमेरिकल बनाने वक्त पहले न्यूमेरिकल को समझेंगे, ये क्वेश्चन कहता क्या है, बिना समझे हिट नहीं करना है, समझ के तब तो उसको हिट करेंगे और तब सॉल्व करेंगे। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, थर्ड नंबर में स्पष्ट कहता है, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन फोर्स 100 न्यूटन है, ठीक। उसके बाद इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ प्रेशर इज 50 पास्कल, प्रेशर दिया हुआ है 50 पास्कल। आगे बढ़ते हैं, देन कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया जिस पर वो टच कर रहा होगा वो निकालने के लिए कह रहा है। ए इज इक्वल टू व्हाट, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू, सॉरी पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय ए, पी का वैल्यू 50 है, एफ 100 है, बाय ए, बताइए एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, इसको यहां ला दीजिए, ए इज इक्वल टू 100 बाय 50 हो गया, और 50 से 100 कैंसिल होगा 2 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आंसर आ चुका है, तीनों का आंसर आ चुका है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूशन आप देखिए कैसे बना, देखकर लिखिए मत, खुद से बनाइए, खुद से ट्राई करिए। तीनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर है, कुछ अलग नहीं, मैं तीनों क्वेश्चन को बार बार खुद से बताया। रीजन ये है कि आप उसी क्वेश्चन को आप यहां नहीं समझे, यहां कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा, लेकिन आसान है, आपको हर जगह समझ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया लगाना है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व, खास करके न्यूमेरिकल्स जिसको अंकिक बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले जो गिवन डाटा है उसको सामने जरूर दिखाइए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन को में क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, इस दो बात से पूरा सॉल्यूशन क्लियर होता है और कुछ भी बात नहीं है इसमें। और इसको आप अपने से बनाएंगे, अगर नहीं बना अपने से, इसको दोबारा तिबारा बनाइए, रिपीट करिए, रिवीजन जरूर करिए, खुद से बने तो समझिए कि प्रेशर आपने समझा, प्रेशर के अकॉर्डिंगली अगर इस तीनों क्वेश्चन में किसी इस तीन के अलावा चौथा टाइप संभव नहीं है,
या तो फोर्स पूछेगा या तो प्रेशर या तो एरिया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको बताया गया। इस तरीके से आप इसको अपने से बनाने का प्रयास करेंगे तब जाकर होगा, देखकर छापने से कुछ नहीं होगा। कृपया इसको आप रिवाइज करें। थैंक यू।